नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो। मैं देख रहा हूँ कि आजकल रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, बीट एसएससी, बीट बैंक पीओ, बीट सीसैट और कैट में तो बहुत शुरू से ही आते थे। कुछ टाइप्स हैं, उसी से नंबर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, है ना। डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही नंबर्स को अटैम्प्ट करना है, राइट। तो देखिए, इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल वाला रिमाइंडर्स ना एवरीवन इज रियली स्केयर्ड ऑफ। तो एक नंबर है, देखिए एक नंबर है n विच इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टिल 99 फैक्टोरियल। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4। तो बहुत सारे बच्चे ना इसको क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, सबसे आसान है। देखो याद रखना, 1 फैक्टोरियल is 1, 2 फैक्टोरियल is 2, 3 फैक्टोरियल is 6, 4 फैक्टोरियल is 4 into 3 into 2 into 1। तो मैं कह सकता हूँ 4 फैक्टोरियल is exactly divisible by 4, which means 4 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। सिमिलरली अगर आप 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, अगेन 5 फैक्टोरियल is exactly divisible by 4. So if 4 फैक्टोरियल is exactly divisible by 4, 5 factorial would also be exactly divisible by 4. 6 factorial would also be exactly divisible by 4. Up till 99 factorial, सारे के सारे exactly divisible by 4 होंगे, which means this is going to give you remainder 0. This is going to give you remainder 0. Everything is going to give you remainder 0. बचा क्या? 1 plus 2 plus 6, right? Which is 9. 9 when divided by 4, remainder is 1. सो इजी। तो फैक्टोरियल वाला रिमाइंडर आ जाए, कभी नहीं डरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लो। ही सेज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अप टिल 99 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 5। तो 5 है, तो 5 पहले कहाँ आता है? 5 फैक्टोरियल में। सो अपन बोल सकते हैं 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल वुड बी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 exactly divisible by 5, which means 6 factorial would also be exactly divisible by 5. 7 factorial भी 7 into 6 into 5 exactly divisible by 5. बाकी सब रिमाइंडर दे देंगे 0. तुम्हारे पास बचा क्या है? दिस नंबर 24 जमा 36 33 when divided by 5 रिमाइंडर is 3. खत्म। तो इस तरह आप बहुत ईजिली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। अब एक और आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए जस्ट चेकआउट। ये नंबर है एंड इट इज डिवाइडेड बाय 6. सो मैं नंबर लिख रहा हूँ 399 into 499, 599 into 699 इज डिवाइडेड बाय 6. अगर आपने 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है तो इट क्लियरली मेंशंस एनी नंबर डिविजिबल बाय 6 और एनी मल्टीपल ऑफ 6 इज ऑलवेज इवन। ये सारे ऑड नंबर्स हैं। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या होता है? रूल ऑफ 2 एंड रूल ऑफ 3, 2 एंड 3, राइट। तो कैसे करना है अब, राइट। तो पहली चीज़ है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप 7th में होते, 8th में होते, तो बच्चे क्या करते? सारे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 6 करते। तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ये पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर कैसे करना है? हर नंबर को 6 से अलग अलग से डिवाइड करना है। सो 399, देखिए 399 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बट इट्स एन ऑड नंबर, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2. तो 3 पीछे जाइए, 396 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यस सर। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यस सर। सो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6. सो रिमाइंडर दे देगा ये 3. अदरवाइज ऑल्सो अगर आप 399 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो तुम्हें ये लंबे प्रोसेस से करना पड़ेगा, पर रिमाइंडर तो 3 ही आएगा। सो डिविजिबिलिटी रूल यूज कर लो। देखिए अब 499, अब 499 क्या है? नीदर इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2 नॉर इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3. तो अपन क्या करते हैं? पहले 498, एक पीछे चले जाते हैं। 498 इज अ इवन नंबर, यस सर। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2. 498 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. कैसे? 4 plus 8 is 12 plus 9 is 21. इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, विच मीन्स 498 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. रिमाइंडर दे देगा 1. तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं ना। 599 से एक पीछे 598, मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 596 मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 594, a multiple of 2 and a multiple of 3. Yes. So दो पीछे जाते जाओ because तीसरा नंबर तो मल्टीपल ऑफ 3 निकलेगा बिकॉज एवरी थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो ये आपका रिमाइंडर दे देगा 5. दोनों को माइनस कर दीजिए. 699 अगेन इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 3 पीछे 696 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल, राइट. सो रिमाइंडर 3. तो पहले तो आपने पर्टिकुलरली इस तरह रिमाइंडर निकाल लिए. अब देखिए फिर से 3 5 15. आगे मत गुना कीजिए. 3 5 15, 15 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3. सो इनका रिमाइंडर 3 3 3 9, 9 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3. छोटा 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 करते जाओ, समझे, जब तक आपका आंसर 6 से छोटा नहीं आता. तो मैंने बड़ी इजीली, ये 15 था, 15 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3. वहाँ से 3 आया, 3 3 9, 9 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3. तो इसका उत्तर है 3. वेरी इजी सर. एक और करके देख लेते हैं. देखिए 12 का एग्जाम्पल मैंने लिया है. सो इस इज 1419 इंटू 1421 इंटू 1423 डिवाइडेड बाई 12. सो वट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12? Sum of the digits is a multiple of 3 and the last two digits are multiple of 4. So I'm writing this number as 1419 into 1421 into 1423. सो पहले 1419 से छोटा 4 का मल्टीपल क्या होगा, क्या होगा 1416. एंड जब इसको आप सम करोगे 1 + 4 is 5, 1 + 6 is 7, 5 + 7 is 12. अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो एंड मल्टीपल ऑफ 4 ऑल्सो. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 12. दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का. इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये चेन में ही दिए हुए तो दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 का. तो जब इस नंबर को 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3. इस नंबर को 12 से डिवाइड करोगे 5. इस नंबर को 12 से डिवाइड करोगे 7, राइट. अब फिर से वही प्रोसेस है. दिस इज़ 15 15 व्हेन डिवाइडेड बाय 12 रिमाइंडर इज 3. और ये रहा 7. 5 7s are 21 21 व्हेन डिवाइडेड बाय 12 रिमाइंडर 9. प्लीज़ ये प्रोसेस समझिए और क्वेश्चंस इसी प्रोसेस से कीजिए. आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा. मिलता हूँ दोबारा. थैंक यू सो मच. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू.